नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक LM386 की जो आईसी होती है मात्र 10 रुपीज की आती है, उससे एक बहुत ही अच्छा ऑडियो एम्पलीफायर बनाना। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास उसमें यूज होने वाले कॉम्पोनेंट है, तो इन्हीं की मदद से हम एक बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर बनाना सीखेंगे। यहाँ पे एक वेरो बोर्ड है मेरे पास, ये 0 PCB, आप अपने मर्जी के हिसाब से ले सकते हो इसको। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ और कॉम्पोनेंट है, जैसे एक कैपेसिटर है फ्रेंड्स 16 वोल्टेज 1000 UF का। इसके बाद मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है, इसकी जो वैल्यू है वो 50 वोल्टेज 10 UF है। इसके बाद एक आईसी है LM386, आप पढ़ सकते हो LM8386, और एक आईसी बेस जो कि हम इस आईसी को इसमें के अंदर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं कंपोनेंट की मदद से हम एक बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर बनाना सीखेंगे। इसके बाद जरूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स हमको एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की, जो ब्लूटूथ का मॉड्यूल होता है फ्रेंड्स हमारी मोबाइल को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मॉड्यूल हैं, तो उसमें से मैं ब्लूटूथ का मॉड्यूल ले लूंगा। तो ये मेरे पास एक ब्लूटूथ का मॉड्यूल है जो कि 60 रुपीज का आता है। और कुछ और बेसिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है, उनको मैं सब बता दूंगा। और एक स्पीकर है फ्रेंड्स, स्पीकर की मदद से हम इसे स्पीकर को चलाएंगे। यहाँ पे मैं बैटरी का यूज करूंगा इसे चलाने के लिए। तो ये 3.7 वोल्टेज की लैपटॉप बैटरी है, और एक मेरे पास ये 12 वोल्टेज की बैटरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इन दोनों बैटरी का यूज करूंगा, एक से मैं अपने एम्पलीफायर और एक से ब्लूटूथ मॉड्यूल। आप दोनों को एक ही से चला सकते हो, लेकिन मेरे पास दो हैं तो मैं दोनों का यूज करूंगा। अगर आपको ये बैटरी बनानी है, देखनी है कैसे बनाई, तो इसका चैनल, इस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख लो। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। और आपको फ्रेंड्स एक बात बता दूं, एक भाई है जिनका चैनल है ग्रुप बॉय एक्सपेरिमेंट, उनका चैनल पे आपको बहुत ही कमाल की एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और अच्छी अच्छी बहुत तरह की वीडियो उनके चैनल पे आपको मिल जाएंगी। उनका ये चैनल आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ग्रुप बॉय एक्सपेरिमेंट नाम से उनका चैनल है। उनके चैनल को विजिट कर लो, उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और उनकी वीडियो को जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने जो कॉम्पोनेंट है उसको सर्किट डायग्राम के अनुसार पूरे कॉम्पोनेंट को इसके अंदर लगा दूंगा, और फिर इसके बाद इस पे सोल्डिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं जो जो मैं इसके अंदर यूज हो रहे हैं कंपोनेंट सभी को लगा लेता हूँ, बस यही कंपोनेंट है। इसके बाद आपको सोल्डिंग करके इसमें दिखा दूंगा। फ्रेंड्स, अपना जो बोर्ड है वो लगभग बन के कम्प्लीट है, और अब इसके जो स्पीकर वगैरह के कनेक्शन है वो कर लूंगा मैं यहाँ पे। तो उससे पहले मैं आपको एक सर्किट डायग्राम दिखा दूं इसका, जो मैंने कैसे कनेक्ट किए हैं यहाँ पे। ये तो यहाँ पे ये जो 12 वोल्टेज की बैटरी है, यहाँ पे आपको बड़ी वाली लगानी है 12 वोल्टेज या 3.7.4 वोल्टेज की। और इसके बाद यहाँ पे जो छोटी वाली बैटरी है वो यहाँ पे, और इसका सर्किट डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आईसी की जो, आप स्क्रीनशॉट देख के समझ गए होंगे कि आईसी की जो पिन नंबर 5 और 4 है, तो उस पर कैपेसिटर कनेक्ट है। यहाँ पे जो पिन नंबर 5 है उसके साथ इधर साइड से कैपेसिटर कनेक्ट है, और स्पीकर की तरफ जा रहे हैं वो दोनों वायर कैपेसिटर के साथ होते हुए, तो इस तरह मैंने कर लिया है। इसके बाद अपना जो है ऑडियो इन के लिए, इसकी जो पिन नंबर 3 है और पिन नंबर 2 पे ऑडियो इन करानी है हमें, तो आप यहाँ पे ऑडियो इन करा सकते हो पिन नंबर 2 और 3 पे। तो मैं यहाँ पे 2 और 3 पे वायर लगा लूंगा इसके पे। इसके बाद ये मैंने 2 और 3 पे वायर लगा लिए, तो यहाँ पे ये टोन है और इसकी आप देख सकते हो, इस तरह आपको रख के बता रहा हूँ। तो इसकी इधर वाली पिन है आप पे वो 3 वाला वायर लगाना है, और जो 2 नंबर से आ रही है उसे इसकी बीच वाली पिन पे लगाना है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से वायर कनेक्ट करके, तो इसकी जो बीच वाली है वायर आप देख सकते हो यहाँ से, और ब्लूटूथ मॉड्यूल में जा रही है। तो अपना ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, और इसकी ये आउटपुट पिन होती है इधर की 3, ये 1 2 3 इधर की, और ये इधर वाली जो है ये वाली 2 पिन, ये VCC और उसके लिए ग्राउंड के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसे शोल्डर कर दूंगा। इसकी किसी भी साइड की 2 पिन पे आपको, यानी लेफ्ट के साथ में एक को, और जो अपना ग्राउंड है फ्रेंड्स जो अपने माइनस से आ रहा है सर्किट के से, उसको आप इसके ग्राउंड यानी बीच वाली पिन पे लगाना है। और आपके माइंड में अब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे को इंस्टा फेसबुक या व्हाट्सअप टेलीग्राम पे कहीं पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मेरे से वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने सारे वायर को कनेक्ट कर लूंगा इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया। इसके बाद आपको बैटरी लगानी इसमें, तो इस बैटरी को मैं बाद में लगाऊंगा, फिलहाल के लिए इसका जो नेगेटिव वायर है उसको लगा देता हूँ, और जब इसकी टेस्टिंग करेंगे तो इस पर पॉजिटिव लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा सर्किट बन के कम्प्लीट है लगभग। मैंने आपको इसके सर्किट डायग्राम में दिया हुआ है पिन नंबर 6
और पिन नंबर 2 और 4 इसकी बैटरी की पिन है जो बैटरी पे लगती है फ्रेंड्स। तो इसकी जो पिन को देख के लगा लेंगे अपन को, पिन नंबर 6 कहाँ है और 2 और 4 कहाँ पे हैं, उस पर आपको बैटरी लगानी है तो मैं लगा लूंगा। तो फ्रेंड्स इसका ये सर्किट डायग्राम है, आपको वायर कैसे कनेक्ट करने और आप इसका स्क्रीन शूट ले लो, फिर इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। ये बन के एकदम कम्प्लीट है तो अब इसकी टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले करके। फ्रेंड्स जो अपना वायर वगैरह है उन सबको कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बोर्ड को सप्लाई देने के लिए एक क्लिप लगा दी है और अपना इसको टेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो अपनी बैटरी के साथ में इसको कनेक्ट कर दूंगा तो अपना ये स्पीकर ऑन तो हो गया। अब आपको इसकी ब्लूटूथ का वायर लगा लेनी है आपको यहाँ पे। तो ये मैंने अपनी ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर दी इसके साथ। अब हम यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले करेंगे, इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ के साथ। तो अपन को सबसे पहले ब्लूटूथ खोलनी है। फ्रेंड्स आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल बिना स्किप किए, बेशक वीडियो बड़ी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अच्छी तरह समझ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे खोल लूंगा और यहाँ पे ये कनेक्टिंग लिखी आ गई है 3.0 BT के साथ। तो अभी ये कनेक्ट नहीं हुई, दोबारा ट्राई करते हैं, आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पेयरिंग लिखी आ गई और इसके बाद शेयर के लिए इसमें ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे मैंने ये पेयर कर दी, आपको आवाज आई होगी। तो इसका मतलब अब ये कनेक्ट होगी। अब इसमें हम फ्रेंड्स एक NCS प्ले करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक NCS प्ले कर दिया ये। तो फ्रेंड्स अपना एम्पलीफायर बहुत ही अच्छी तरीके से फुल वॉइस के साथ वर्क कर रहा है, आप इसकी आवाज सुन सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं इसके अंदर कुछ कंपोनेंट डाल के दिखा दूं और जैसे ही इसकी आवाज बढ़ाऊंगा आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ पे अपना गाना प्ले है और धीरे धीरे मैं इसकी आवाज को बढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसकी आवाज आप सुन सकते हो कितनी तेज इसकी आवाज है, और इसकी मैं आवाज आपको दोबारा सुना दूं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल में वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।